नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको ब्रह्म सूत्र जो महर्षि बादरायन द्वारा रचित है, इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसके पहले अध्याय के दूसरे पाद के दूसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह दूसरा सूत्र कह रहा है, विवक्षित गुणो बत्तेष्य। अर्थात सूत्रों में, श्रुति में जो वर्णन किया गया है जिन गुणों का, उनकी संगति जो है वो परब्रह्म परमेश्वर से ही होती है, इसीलिए उपास्य देव वे ही हैं। यहाँ उपास्य देव जो है वह साइलेंट मीनिंग है, छिपा हुआ अर्थ है यहाँ पर, लेकिन इतना समझ लें कि जो श्रुति है यहाँ पर वह वेद में और उपनिषद में जो आए हैं उसके विषय में है। तो यह चूंकि वेदांत दर्शन जो है वह सबका सामंजस्य है, जो चारों वेद संहिताएं हैं और 108 उपनिषद हैं, तो उन सब का ही इसमें समाहार है। तो इसमें उसी का वह किया गया है कि जितने भी सूत्र हैं वे सारे सूत्र इसी ओर इंगित करते हैं, जितने भी वेद में मंत्र हैं वे, जितने भी उपनिषद में मंत्र हैं वे सारे इसी की ओर इंगित करते हैं। और जितने भी दर्शन हैं हमारे, चाहे योग दर्शन है, चाहे वैशेषिक, चाहे न्याय, चाहे मीमांसा, चाहे वेदांत जो हम लोग देख रहे हैं या सांख्य, तो इन सभी दर्शन में जो उपास्य देव हैं तो वे पर ब्रह्म परमेश्वर ही हैं, उन्हीं को लक्षित किया गया है। और जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदं भयात्तात्तो अवाक्यनादरः। अर्थात जो परमात्मा है उनके गुणों का किस तरह से वर्णन किया गया है कि वह जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है, वे जो उपास्य देव हैं वो किस तरह से हैं, वे सब जितने भी मनोमय, जितने भी मन हैं वे सब वे हैं, जितने भी प्राण हैं वे सब सब वे हैं, जो प्रकाश स्वरूप वही हैं, सत्य संकल्प है वे ही जो हैं, सभी कर्म करने वाले हैं वे, आकाश आत्मा है, विभू हैं, आकाश की तरह निराकार हैं, विभू हैं, और सब तरह की कामनाएं भी वही हैं, सारे गंध वही हैं, सब रस वही हैं, सब कुछ वही हैं, सब ओर से व्याप्त करने वाले भी वही हैं, वही जो हैं वाणी से परे भी हैं, और वही जो हैं संभ्रम शून्य हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट इन सारे गुणों को बतला रहा है परमात्मा के। और उसके बाद फिर उन्हीं को उपास्य देव मान रहा है। उसी तरह से केन उपनिषद में भी कहा गया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम साऊ प्राणस्य प्राण। अर्थात वह कानों का कान है, वह मनों का मन है, वह वचनों का वचन है, वह प्राणों का प्राण है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम साऊ प्राणस्य प्राण। बहुत ही बढ़िया है यह मंत्र, केनोपनिषद का इसमें बताया जा रहा है कि वह
यानी सबसे परे है वह, ये सब सब कुछ होते हुए वह सबसे परे है, वह गुण होते हुए भी गुणातीत है। तो सारे जो गुण यहाँ बताया इस जो सूत्र में जो बादरायण जी कह रहे विवक्षित गुणों उपपत्तेश, तो विवक्षित गुणों या गुण तो वे हैं ही, सारे जितने गुण हैं वे तो हैं ही, यानी सगुण तो वे हैं ही हैं, इसके अलावा इस सगुण से परे यानी निर्गुण भी वे ही हैं। ज्ञान उपनिषद का तो यही बतलाना चाह रहा है, उसको गुण के ही संदर्भ में बता दिया गया है, निर्गुण भी बता दिया है, निर्गुण निरंजनम, परमात्मा को निर्गुण भी कहा गया है, निरंजन भी कहा गया है। तो इस तरह से वे बतलाना चाह रहे हैं कि यह जो है यह उपपत्ति जो है गुणों की उपपत्ति अर्थात संगति, उपपत्ति मतलब हो गया संगति, तो जो संगति बैठा रहे हैं सबके साथ, श्रुति में जितना कुछ भी वर्णन किया गया है जितने भी प्रकार के गुण का और निर्गुण का, सगुण निर्गुण साकार निराकार सबकी संगति बैठ जाती है, और उसके कारण ही यह जो है अद्वैतवाद आ जाता है। यही वेदांत का दर्शन का मुख्य पहलू है, और सारा उस अद्वैत को सिद्ध करने के लिए ही ये सारा उद्यम इन्होंने किया हुआ है बादरायण जी। तो इसमें इतना ही, हरिओम।